नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं सुपीरियर ओएस के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोको फोन डिवाइसेस के लिए सुपीरियर ओएस का जो एंड्रॉयड 12 का बिल्ड है अवेलेबल हो चुका है। ये जो सुपीरियर ओएस है दोस्तों, ये एंड्रॉयड 12 को रन कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि सुपीरियर ओएस का पहला बिल्ड है जो कि एंड्रॉयड 12 के साथ हमें देखने को मिला है हमारे पोको फोन के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम सुपीरियर ओएस का जो एंड्रॉयड 12 का बिल्ड है उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। देख सकते हो जो आपको टॉगल देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से है। एंड्रॉयड 12 के सभी रॉम के अंदर कुछ इस तरह से आपको टॉगल देखने को मिलेगा। लाइट थीम का सपोर्ट है, डार्क थीम का सपोर्ट है, एज वेल जो सेटिंग्स मेनू है काफी ज्यादा सिमिलर है। सभी एंड्रॉयड 12 रॉम के अंदर कुछ इस तरह से आपको जो है सेटिंग्स मेनू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है, अभी तक ऑफिशियल बिल्ड जो है सुपीरियर ओएस का अवेलेबल नहीं है। एंड्रॉयड वर्जन की अगर बात करो दोस्तों, एंड्रॉयड 12 के साथ ये जो रॉम है हमें देखने को मिलता है, एंड एंड्रॉयड 12 का जो स्टडी है कुछ इस तरह से है। वंस अगेन अगर बात करें पर सिक्योरिटी पैच अपडेट की, 5th November 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। एंड यहाँ पर जो कर्नल यूज किया गया है दोस्तों, XD कर्नल यूज किया गया है, बट जो लेटेस्ट बिल्ड आया है उसके अंदर सिल्वर कोर कर्नल यूज किया गया है। तो ये चीज आपको मैं पहले बोल रहा हूँ। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों पार्मिशिप वाला बिल्ड है, इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुपीरियर ओएस का जो एंड्रॉयड 12 का बिल्ड है जो लेटेस्ट वर्जन का उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, एज वेल जो एंड्रॉयड 11 का बिल्ड है सुपीरियर ओएस का उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 दोनों बिल्ड में से जो भी आपको पसंद है आप ट्राई करके देख सकते हो। मैंने एंड्रॉयड 12 का जो बिल्ड है उसे हम फिलहाल यूज कर रहे हैं। अगर बात कर लेते कस्टमाइजेशन फीचर्स की, तो आपको जो है कस्टमाइजेशन फीचर्स भी देने को मिलेगा यहाँ पर सुपीरियर ओएस के अंदर, ये सभी जो फीचर्स है ऐड किया गया है। तो वन बाय वन सभी ऑप्शंस को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटस बार के साथ। तो यहाँ पर जो है 4G आइकन को आप दिखा सकते हो LTE आइकन की जगह, एंड VoLTE आइकन का सपोर्ट देने को मिलेगा, एज वेल जो स्मॉल मोबाइल टाइप आइकन का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करूँ क्विक सेटिंग्स की, तो क्विक सेटिंग्स के अंदर हमें दो ऑप्शन देने को मिलता है, वाइब्रेट ऑन टच एंड क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन का ऑप्शन देने को मिल गया है। अगर आप क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन ऑप्शन को नहीं जानते हो तो सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद अगर आप ए जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसे आप ऑन करते हो, तो अगर आप यहाँ से स्वाइप करोगे तो आपको जो है टॉगल देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ से स्वाइप करोगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन देने को मिलेगा। तो एक काफी यूजफुल ऑप्शन है क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन, ये भी आप यूज करके देख सकते हो। नेक्स्ट आपको देने को मिलेगा बटन्स का ऑप्शन। बटन्स के अंदर आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन को अगर आप एनेबल कर दोगे तो अगर आप वॉल्यूम कीज को लॉन्ग प्रेस करके रहोगे तो आपका जो गाना है स्किप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम कीज के साथ फोन को जो है वेकअप भी कर सकते हो। तो वॉल्यूम कीज के साथ वेकअप करने का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। अगर बात करें पर नेविगेशन बार की, तो नेविगेशन बार के अंदर आपको सिस्टम नेविगेशन के अंदर 3 ऑप्शन देने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर जो है जो 2-बटन नेविगेशन है उसका सपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन देने को मिलेगा। 2-बटन नेविगेशन का जो सपोर्ट है एंड्रॉयड 12 के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐड भी नहीं किया गया है, बट यहाँ पर जो है आपको ये सभी जो ऑप्शन देने को मिल गया है देख सकते हो यहाँ पर। सो आपको जो हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, एडवांस गेस्चर्स ऑप्शन के अंदर ये सभी जो ऑप्शन है हमें देने को मिल गया है, बट यहाँ पर जो 2-बटन नेविगेशन ऑप्शन से ये ऐड करना चाहिए था, शायद नेक्स्ट बिल्ड के अंदर ऐड हो जाए। गेस्चर्स की अगर बात करूँ तो गेस्चर्स के अंदर ये सभी ऑप्शन देने को मिलता है। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हो तो अगर पावर बटन को दोबारा प्रेस करोगे आपका जो कैमरा है उसको ओपन हो जाएगा। तो कैमरा को ओपन करने के लिए काफी बढ़िया फीचर है। 1-हैंड मोड भी देने को मिलता है, 1-हैंड मोड का भी यूज करके कुछ इस तरह से जो है गेस्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। मतलब 1-हैंड मोड के अंदर ये जो आप नेविगेशन बार को देख पाओगे इसे आप स्वाइप डाउन करके गेस्चर्स को यूज करके जो 1-हैंड मोड है उसे भी आप यूज कर सकते हो। 1-हैंड मोड के थ्रू आप नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हो, जो 1-हैंड मोड का शॉर्टकट है उसे भी आप एनेबल कर पाओगे। एंड यहाँ पर आपको जो है अपना पावर बटन को एज ए गोल असिस्टेंट की तरह यूज कर पाओगे, गोल असिस्टेंट को यूज करने का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, होल्ड फॉर असिस्टेंट। तो आप पावर बटन को होल्ड करके रखने के बाद आपका जो गोल असिस्टेंट है वो एनेबल हो जाएगा। एंड उसके साथ यहाँ पर जो है आपको टॉर्च के लिए भी एक ऑप्शन देने को मिलता है, टॉगल टॉर्च व्हेन स्क्रीन ऑफ। इस ऑप्शन को अगर आप यूज करोगे काफी यूजफुल ऑप्शन है, मैं हर टाइम बोलता हूँ। तो इस ऑप्शन के अंदर ये जो डबल टैप का फीचर से हमने इसे चूज किया, उसके बाद फोन का जो स्क्रीन अगर आप बंद कर दोगे उसके बाद अगर आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रहोगे तो और डबल टैप करोगे तो आपका जो फोन के अंदर जो टॉर्च है वो एनेबल होगा। तो यहाँ पर जो है टॉर्च को एनेबल करने के लिए ये जो गेस्चर से काफी यूजफुल ऑप्शन है, इससे अगर आप चाहो तो लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हो, डबल टैप भी कर सकते हो, दो ऑप्शन है। एज वेल जो गेस्चर्स को यूज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लॉन्ग स्क्रीनशॉट का जो सपोर्ट है उसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप डबल टैप करोगे आपको जो होने तो स्लिप मोड में चला जाएगा, तो डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देने को मिलेगा, तो देख पाओगे तो यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है इसके अंदर कोई भी ऑप्शन हमें देने को नहीं मिलता है। तो अभी फिलहाल ऐसे बोला अनऑफिशियल बिल्ड है, ज्यादा ज्यादा फीचर्स नहीं है यहाँ पर,
पावर मेनू की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो एडवांस रिबूट का ऑप्शन उसे ऐड करके दिया गया है, रीस्टार्ट का ऑप्शन है, एंड जो लोकेशन के अंदर जो पावर मेनू है उसे भी आप डिसेबल कर सकते हो, उसके लिए भी ये ऑप्शन ऐड किया गया है, एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, एज वेल फ्लैशलाइट स्क्रीनशॉट ये सभी ऑप्शन को आप पावर मेनू के अंदर ऐड कर सकते हो। एंड पावर मेनू के अंदर से डायरेक्टली जो रिबूट बूटलॉर के अंदर बूट कर पाओगे, इवन जो सिस्टम हुआ है उसे भी आप रीस्टार्ट कर पाओगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। वंस अगेन नोटिफिकेशन के अंदर आपको यही सभी ऑप्शन देने को मिलता है, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग एंड डिस्कनेक्ट का जो ऑप्शन है, इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस को भी ऐड करके दिया गया है। नेक्स्ट आपको ये जो फीचर से इस फीचर के अंदर कोई भी चीज़ को ऐड नहीं किया गया है। एज फॉर नो ये जो बिल्ड है अनऑफिशियल बिल्ड है एंड बहुत ही नया है, एंड ज़्यादा कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है हम यहाँ पर सुपीरियर वॉइस की इस बिल्ड के अंदर देने को नहीं मिला है। नाउ बात कर लेते हैं जो बेसिक फीचर से काम कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ पर जो है अपना वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, मोबाइल डाटा काम कर रहा है, टॉर्च काम कर रहा है, यहाँ पर जो नाइट लाइट मोड है ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसका जो आपका मतलब जितने भी फीचर से यहाँ पर काम कर जा रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एज वेल अगर बात करूँ हॉटस्पॉट की, आप जो है यहाँ पर हॉटस्पॉट प्लस जो अपना वाईफाई है दोनों को आप एक साथ यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। एंड यहाँ पर जो है वॉल्टी भी काम कर जा रहा है, वो वाईफाई हमने ट्राई नहीं किया है, बट यहाँ पर जो है कॉलिंग भी बहुत तरीके से काम कर रहा है, मोबाइल डेटा भी काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर जो ब्लूटूथ है उसे भी फिक्स करके दिया गया है, जो डिस्प्ले इशू देखने को मिल रहा था उसे भी फिक्स करके दिया गया है, और कुछ माइनर फिक्सेस भी किया गया है। एज वेल जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर आपको सिल्वर कोर कर्नल भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर बैटरी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, बैटरी बैकअप जो है काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को, लगभग आपको 6 आवर के ऊपर जो हैवी यूजेस के दौरान जो है बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। अगर आप लगातार गेम खेलोगे तो 4.5 आवर के आसपास जो है आपकी स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा। जैसे जो है बैटरी परसेंटेज को आप एनेबल कर सकते हो, बैटरी मैनेजर का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिलता है, बैटरी सेवर का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड बैटरी यूजेस की बात करूँ, हमारा जो बैटरी यूजेस है काफ़ी सही है, तो यहाँ पर जो है आइडियल मोड के अंदर भी ज़्यादा ड्रेन आपको देने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है आपको थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है उसके अंदर ये सभी जो ऑप्शन है इसे ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करूँ साउंड की, तो साउंड के अंदर आपको जो इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है देने को मिलता है, बट आपको यहाँ पर रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम को लिंक करने का जो ऑप्शन से देने को नहीं मिलता है। एंड लाइव जो आपका कैप्शन है उसका जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका स्क्रीनशॉट का जो साउंड है उसे आप बंद कर सकते हो, जो टच साउंड है, वाइब्रेशन है उसे आप बंद कर सकते हो, चार्जिंग साउंड को भी आप बंद कर सकते हो, बट यहाँ पर जो MI का साउंड एनहाइजर है वो देने को मिल गया है। यहाँ से जो है आप अलग अलग हेडफोन टाइप को चूज कर सकते हो, एज वेल जो अलग अलग जो प्रीसेट है उसको भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। नेक्स्ट ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर जो मोनेट का सपोर्ट है देने को मिलता है, वॉल वायर बेस्ड स्ट्रीमिंग सिस्टम का जो सपोर्ट है देने को मिल गया है। आपके वॉल के ऊपर जो भी कलर है ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम UI के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो मोनेट का जो सपोर्ट है हमें इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल गया है। एज वेल जो थीम आइकॉन का ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है, इसे भी आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है वो देने को मिलता है, फेस अनलॉक अवेलेबल नहीं है, ऐप लॉक अवेलेबल नहीं है, एंड ये जो बिल्ड है तो इंक्रिप्टेड बिल्ड नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर बात कर लेते फिंगरप्रिंट की, तो देखिए यहाँ पर टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, तो फिंगरप्रिंट जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है एंड एक्यूरेट हमें देने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट के साथ कोई भी इशू वाली बात नहीं है, अभी तक एंड्रॉइड 12 के कोई भी रॉम के अंदर जो फेस अनलॉक है अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर देख सकते हो इस बिल्ड को फ्लैश करने के दौरान आपको जो है क्लीन फ्लैश करना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, तो बैकअप योर डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। आपको जो डिजिटल वेविंग का सपोर्ट है इसे भी ऐड करके दिया गया है। सिस्टम की अगर बात करो, ये सभी जो ऑप्शन है हमें देने को मिल गया है। एंड अभी जो एजो रॉम है दोस्तों, इस रॉम के अंदर बहुत सारे फीचर्स हमें देने को नहीं मिल रहा है, जो फीचर्स हमें एंड्रॉइड 11 के अंदर देने को मिलता था वो फीचर्स अभी एंड्रॉइड 12 के ऊपर अवेलेबल नहीं है। बहुत जल्दी आपको एंड्रॉइड 12 के ऊपर बहुत ज़्यादा जो फीचर्स है देने को मिलेगा। कस्टमाइजेशन जो है थोड़ा सा कम आपको देने को मिलेगा। एंड एजी बिल्ड है, गेमिंग बिल्ड नहीं है दोस्तों। गेम करने के लिए आप एंड्रॉइड 12 को भूल जाओ, एंड्रॉइड 11 को ट्राई करके देखो। एंड्रॉइड 11 जो है अभी थोड़ा सा पुराना हो चुका है, इसलिए उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा गेमिंग देने को मिलेगा एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड 12, क्योंकि एंड्रॉइड 12 का जो कस्टम रॉम है अभी नया नया आया है, उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अगर बात करूँ कैमरा ट्यूपे की, तो कैमरा ट्यूपे के अंदर फुल का सपोर्ट है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि अपना जो पोके फोन है हार्डवेयर लेवल के अंदर फुल का सपोर्ट देने को मिलता है। कैमरा गो की अगर बात करूँ तो कैमरा गो जो है यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, नो इश्यू एट ऑल। बाय डिफॉल्ट जो है ये जो कैमरा एप्लीकेशन सबको देने को मिल जाएगा, एकदम बेसिक से कैमरा एप्लीकेशन से देख सकते हो। ये जो कैमरा एप्लीकेशन है शायद आप इसे यूज़ नहीं करोगे, गूगल कैमरा को यूज़ करोगे। अगर बात करूँ गूगल कैमरा भी यहाँ पर काम कर रहा है, हमने यहाँ पर GCam 8.4 और 8.3 को हमने यहाँ पर ट्राई किया है, वो यहाँ पर काम कर रहा है देख सकते हो। GCam 8.3 है आई गेस, तो ये जो गोल कैमरा है फर्स्ट क्लास काम करेगा। ये जो गोल कैमरा है इसका रिव्यू मैं जल्दी से शेयर करने वाला हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। नाउ दोस्तों पर बात कर लेते हैं बेंचमार्किंग एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो है हमने 3D Mark का जो वाइल्ड लाइफ का टेस्ट उसे रन किया था,
1968 हमें देखने को मिल गया है वाइल्ड लाइफ के अंदर पोकेफोन के साथ। गिगबीज 5 की अगर बात करूं 493 का जो स्कोर देने को मिला है सिंगल कोर के अंदर, मल्टी कोर के अंदर 1692 का स्कोर देने को मिला है। एवरेज की अगर बात करूं सिंगल कोर के अंदर ज्यादा देने को मिल गया है, मल्टी कोर के अंदर जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर मल्टी कोर का स्कोर है 3D मार्क के अंदर काफी सही है। मैजिक की अगर बात करूं, हमने मैजिक को इंस्टॉल किया था, मैजिक हाइट को इनेबल कर दिया, उसके बाद जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर पास हो चुका है, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है इस रॉम के अंदर काम कर जाएगा। अगर बात करूं सिपोजोलिन टेस्ट की, तो सिपोजोलिन टेस्ट का जो है लगभग 5 मिनट के लिए हमने ट्राई किया, मैक्स गया है 169, एवरेज है 136, मिनिमम है 127, यहाँ पर जो है 78% का सीपीयू थ्रॉटल हुआ है। तो गेमिंग के लिए डेफिनेटली ये रॉम नहीं है, गेमिंग को ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है इस रॉम के ऊपर। गेमिंग जो है आपको हो जाएगा, बट आपको जो है अच्छा जो एक्सपीरियंस है आपको देने को नहीं मिलेगा। इस रॉम के अंदर अभी फिलहाल कोई मेजर बग नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए और इससे और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़िया चाहिए तो डिफरेंट रॉम को ट्राई करके देख सकते हो। बट एक बार रॉम को ट्राई करने में क्या आता है, डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखिए। इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जगह इस रॉम को भी ट्राई करके देख सकते हो। ओवरऑल जितने फीचर से काम कर जा रहा है एंड गूगल कैमरा भी काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, एंड आपका ब्लूटूथ भी काम कर जा रहा है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी सही है, वाईफाई, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स यहाँ पर इस रॉम के अंदर काम कर जा रहा है। तो एक बार ट्राई करके देखो इस रॉम को। इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान क्लीन फ्लैश कर लीजिएगा, एंड आप जो है TWR रिकवरी और ऑरेंज फोर्स रिकवरी को यूज करके इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। मेक श्योर बैकअप योर डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। एंड एनीवे अगर आपको दूसरा कोई एंड्रॉइड 12 का रॉम पसंद आता है और उसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो किया है पोकेफोन के रिलेटेड, एंड आप जो पोकेफोन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हो, उसके अंदर आपको ढेर सारी एंड्रॉइड 12 का जो कस्टम रॉम है उसका वीडियोस आपको देने को मिल जाएगा। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पोकेफोन का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो ऐड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके देखिएगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।